मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज के ही दिन स्वामी विवेकानंद ने उस वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। साथियों, आज 11 सितंबर को एक और बड़ा अवसर है। आज भारत के महान विद्वान, दार्शनिक और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि है। सरदार साहब जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन लेकर चलते थे, वही दर्शन महाकवि भारती की तमिल लेखनी में पूरी दिव्यता से निखरता रहा है। जब वो कहते थे कि हिमालय हमारा है, तमिलनाडु में रहते थे, और सोच कैसी, और वो कहते थे हिमालय हमारा है, जब वो कहते थे कि गंगा की ऐसी धारा और कहां मिलेगी, जब वो उपनिषदों की महिमा का वर्णन करते थे, तो भारत की एकता को, भारत की श्रेष्ठता को और भव्यता देते थे। सुब्रमण्यम भारती ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा पाई, श्री अरबिंदो से प्रभावित हुए और काशी में रहते हुए अपने विचारों को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर रहा हूं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय किया गया है। तमिल स्टडीज, तमिल भाषा समृद्ध भाषा है, विश्व की सबसे पुरातन भाषा है, और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फैकल्टी